नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल @SefSanjeev172 के साथ में। तो आज मैं बनाऊंगा होममेड पिज्जा, यानी कि तवा पिज्जा, जो आजकल रेगुलर लोग गांव में पसंद करते हैं, शहरों में पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ओवन है या नहीं है, माइक्रोवेव है या नहीं है। तो आप लोग नॉर्मली तवे पे आप आराम से अपना पिज्जा बना सकते हैं, वो भी नवरात्रि चल रही है, इस वजह से मैं आज आप लोगों को एगलेस पिज्जा बनाना सिखाऊंगा विद रेसिपी के साथ में, और वो भी होल व्हीट डो में, आटे के डो में बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिगर टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। एक बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें 200 ml पानी लूंगा। ठीक है, ये मैंने 200 ml पानी ले लिया है। अब मैं इसमें 10 ग्राम सॉल्ट ऐड करूंगा। ठीक है, ये 10 ग्राम मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। 10 ग्राम मैं इसमें शुगर ऐड करूंगा, और यहां पे मैंने फ्रेश ईस्ट ले रखा है। ये आप लोगों को नॉर्मली कहीं दुकान से आप लेंगे तो नॉर्मली मिल जाएगा। ईस्ट मीन्स खमीर, ये आप लोग नॉर्मली कहीं दुकान से मिल जाएगा। तो मैं 10 ग्राम इसमें ईस्ट ऐड कर दूंगा। ये मैंने इसमें 10 ग्राम ईस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छा सा एक घोल बना के तैयार कर लेंगे, ताकि ये जो मैंने शुगर मिलाया है और सॉल्ट मिलाया है एंड ईस्ट, ये आपस में अच्छे से मिल सके। ये देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये मिक्स भी हो गया है। ठीक है, अब हम डो लगाने की तैयारी करेंगे। अब डो लगा लेते हैं हम। यहां पे मैंने राम आटा ले रखा है। ठीक है, चलिए तो डो लगाना शुरू करते हैं। एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है आपको, जैसे घर में हम लोग आटा लगाते हैं ना, सेम वैसे उसी सीक्वेंस में आपको लगाना है, धीरे धीरे कर करके। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि आप घर पे रोटी के लिए अपना आटा लगा रहे हैं, सेम वैसे ही आप लोगों को लगाना है आटा। ये देखिए, आटा लगभग लग के तैयार हो गया है। बस अब हम इसको फिनिश कर लेते हैं, फिनिशिंग देनी है इसको हमें, तो मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ। और फिनिशिंग करते समय हम इसको हल्का सा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी हम कर लेंगे थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल, ताकि शाइनिंग अच्छी आ जाएगी। ठीक है, और आटे ना, ये देखिए, थोड़ा सा आपको ढीला रखना है आटा, एकदम तो बहुत टाइट नहीं रखना आटा, क्योंकि जब आटा टाइट रहेगा तो आपका पिज्जा बेस, जो आप पिज्जा बेस बनाएंगे, वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, बिल नहीं पाएगा। इसलिए आटे को हल्का सा ढीला ही रखना है आपको। ठीक, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा डाल लेता हूँ फिनिशिंग के लिए। और 15 ml आप रिफाइंड ऑयल, और या फिर आप बटर मेल्ट किया हुआ, या ऑलिव ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डो लग के तैयार हो गया है। एकदम वैसे लगाना है जैसे हम लोग अपने रोटी के लिए घर में लगाते हैं। ठीक है, सेम वैसे लगाना, बहुत अच्छे से गूंद के इसको। ठीक है, अभी डो लग के तैयार हो गया, फिनिशिंग में आ गया है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए इसे ढक के रख देंगे, किसी साफ सुथरे अच्छे कपड़े से ढकेंगे, ताकि जो इसका एयर है वो इधर से उधर निकल ना सके, ताकि ये अच्छे से स्पंजी हो सके। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब मैं पिज्जा के लिए अपनी सब्जी तैयार कर लेता हूं, जो जो मैं इसमें टॉपिंग करूंगा। ठीक है, ये मैंने हरा शिमला ले लिया है, इसको मैं काट के तैयार कर लेता हूं। ये मैं जूलियन कटिंग में काट रहा हूं इसको। ठीक है, बाकी कटिंग आप लोग मर्जी है, कोई क्यूब में काटता है, कोई स्क्वायर में काटता है, जिसकी जैसी मर्जी वैसे आप लोग सब्जी को काट सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कैप्सिकम काट लिया है, अभी थोड़ा सा मैं रेड कैप्सिकम भी काट लेता हूँ। ये ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ये सभी नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, आप किसी भी अच्छे दुकान से, आप मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा येलो कैप्सिकम भी है, तो इसको भी हम काट लेते हैं अच्छे से।
यहाँ पे मैंने मशरूम लिया हुआ है, तो मुझे मशरूम पसंद है पिज्जा में डालना, इसलिए मैं मशरूम को भी डालूंगा। तो मशरूम को मैं काट लेता हूँ। बाकी बहुत से लोग हैं जो मशरूम नहीं खाना पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं, नहीं डालेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये मैंने मशरूम भी रेडी कर लिया है। और ये मैंने जुगनी लिया हुआ है, ग्रीन जुगनी है, जो आप लोगों को रेगुलर मार्केट में कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग, कोई लोग प्याज है, टमाटर है, ये सब डाल के आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रोकली, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ये ले लिया। अब हम लेंगे थोड़ा सा प्याज, ये देखिए प्याज, तो लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो प्याज में पूरा ही डालूंगा, एक प्याज, बाकी सभी थोड़ा थोड़ा डाला है, मगर प्याज में पूरा ही डालूंगा। अब बारी आई टमाटर की, तो इसको क्यों छोड़ें, इसको तो डालना बहुत जरूरी है, इसको भी डाल लेते हैं, मगर इसको आधा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। डालोगे तब भी चलेगा, नहीं डालोगे तब भी चलेगा, मगर मैं डालूंगा। ये देखिए सब्जी एकदम काट के रेडी हो गई है। अब मैं इसको हल्का सा सौते मार लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, कढ़ाई चढ़ाऊंगा और गार्लिक का तड़का मार के इसको मैं सॉल्ट पेपर डाल के, पिज्जा सीजनिंग डाल के मैं इसे रेडी कर लूंगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम गैस चालू कर लेते हैं। ये मैंने रख दी है कढ़ाई, क्योंकि मैं कढ़ाई इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा पैन नहीं है ना तो मैं कढ़ाई बना रहा हूँ, बाकी जिसका पैन है तो पैन बना सकते हैं। ठीक है, ये रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, गार्लिक डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने गार्लिक डाल दिया है। थोड़ी देर में गार्लिक को भून लेता हूँ, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें सब्जी ऐड कर दूंगा। बस कुछ समय और, गार्लिक ब्राउन होने वाला है, गार्लिक ब्राउन होने लगा है, मैं इसे सब्जी ऐड कर दूंगा जो मैंने काट के रखी हुई है। सब्जी को मैं इसलिए सौते कर रहा हूँ ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग ऐड कर देता हूँ ताकि और भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देता हूँ यहीं पे, थोड़ा सा ऑरिगेनो ये यहीं पे डाल देता हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चला लेंगे इसको, ये देखिए बस सब्जी सौते होके रेडी होने वाली है। एक मिनट तक इसको सौते करना, ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है और हम इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए सब्जी एकदम मेरी रेडी हो गई पिज्जा के लिए, 3 घंटे हो गया है। चलिए मैं पिज्जा बेस बनाना शुरू करता हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरीके से सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं डो रेडी है मेरा डो, और मैं पिज्जा बेस बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा
इस पे डस्ट मार लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डो ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से पहले पेड़ा बना के तैयार करता हूँ, इसका बॉल बना लूंगा। ये देखिए, मैं इसको बेल के तैयार कर लेता हूँ अपना पिज्जा बेस। थोड़ा थोड़ा डस्ट लगाते रहेंगे बीच बीच में ताकि चिपके ना ये, ठीक है, नहीं तो चिपक जाएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुका है आटा। इसको थोड़ा सा, बेस को थोड़ा सा मोटा ही रखना है हमको, ठीक है, क्योंकि पिज्जा का बेस जो होता है थोड़ा मोटा होता है। ये देखिए रेडी हो गया है, थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं अपने बेस को थोड़ा सा सेक के तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं तवा पिज्जा बना रहा हूँ, तवे बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ये पतला बनाया हुआ है, थिन है, थिन क्रस्ट पिज्जा बना रहा हूँ। और बाद बाकी अगर आप लोग ओवन है तो आप लोग इसको थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं। ठीक है, स्लो फ्लेम पे सेकना है, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है ताकि अच्छे से सिक सकता है। ठीक है, अब हम इसको पलट लेंगे, एक तरफ से हो गया है, दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पलट लेंगे। देखिए हल्का सा ब्राउन कलर आने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं, आपको पलट लेना है आपको। अभी मेरा पिज्जा बेस बन के तैयार हो गया है और अब मैं लगाऊंगा इस पे पिज्जा सॉस। ये डाला मैंने पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस नॉर्मली आप लोग कई मार्केट से ले सकते हैं, किसी भी दुकान पे मार्केट। अच्छे से इसको फैला लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए पिज्जा सॉस लग के रेडी हो गया है। अब हम इस पे डालेंगे, पहले मैं इस पे थोड़ा सा डालूंगा अपना चीज। पहले मैं फर्स्ट लेयर में इसमें थोड़ा सा अमूल चीज डालूंगा जो मैंने मार्केट से। ये देखिए मैंने इसमें पहले थोड़ा सा चीज ग्रेट कर दिया है। अब मैं डालूंगा वेजिटेबल, जो मैंने वेजिटेबल तैयार करके रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी डाल लेंगे वेजिटेबल। ग्रेट करेंगे मोजरेला चीज जो मैंने मार्केट से लिया हुआ है, पिज्जा चीज है ये भी। ठीक है, ज्यादातर पिज्जा में बहुत यूज होता है मोजरेला चीज। बहुत ज्यादा ही चीज खाना, मतलब एक्स्ट्रा चीज लेते हैं, बहुत लोग नॉर्मल चीज लेते हैं, तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा चीज डालें, क्योंकि पिज्जा बना रहे हैं तो पिज्जा में तो एक्स्ट्रा चीज काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा चीज डालेंगे। ये मैंने चीज ग्रेट कर दिया है, मैं थोड़ा सा इस पे डालूंगा पिज्जा सीजनिंग, थोड़ा सा डालूंगा। ये देखिए पिज्जा सीजनिंग थोड़ा सा डाल दिया है। हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे इस पे ताकि अच्छा स्पाइसी बन सके, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। चलिए अब मैं इसको, तवा मेरा रेडी है, अब मैं इसको अच्छे से सेक लेता हूँ ये मैंने, ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो सके और अच्छे से कलर आ सके ब्राउन। चलिए कुछ समय इंतजार करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट में बन के तैयार। चलिए मेरा पिज्जा बन के तैयार हो गया, 5-7 मिनट के, मैं चेक कर लेता हूँ। वाओ, पिज्जा तो एकदम कलरफुल, देखिए कितना अच्छा लगा, चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको काट लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। बहुत ही अच्छा, मैं इसको काट लेता हूँ, पिज्जा बन के एकदम तैयार, पिज्जा एकदम बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे खाऊंगा, एंजॉय करूंगा, और आप लोग भी अपने घर पे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सा चाहिए, तो मैं वैसा ही बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।